सो फाइनली आपका डेट ऑफ एग्जाम और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन रिलीज कर दिया एनटीए ने, और आप सबको पता भी चल गया होगा। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं कि मेरा तो एग्जाम 1 फेब को है, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम से क्लैश भी कर रहा है, या फिर 1 फेब को कैसे हो सकता है एग्जाम। तो बच्चों इस पे एनटीए जरूर जल्दी ही क्लैरिफिकेशन देगा, आप परेशान मत हो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा तो सेंटर इतनी दूर आ गया, बहुत ही दूर आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, एनटीए को मेल कर सकते हो। लास्ट ईयर और लास्ट लास्ट ईयर भी उन्होंने क्या किया था कि जिनका सेंटर बहुत दूर था उनको रिवाइज करके पास का सेंटर दे दिया था, ठीक है। और बिल्कुल भी घबराएं ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे दे, हमारी तो तैयारी नहीं है, उतनी प्रिपरेशन नहीं है। आपकी जितनी भी तैयारी है आप फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल कूल होके, शांत होके अच्छे से दो, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में जिसमें भी परसेंटाइल आपका ज्यादा होगा दैट विल ओनली बी काउंटेड। तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत, अच्छे से प्रिपेयर होके पेपर दो। और क्या कैरी करना है एग्जाम वाले दिन, ये भी बच्चे पूछ रहे हैं। तो जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा है ना, उस पर सब मेंशन्ड होता है कि आपको क्या क्या कैरी करके लेके जाना है। तो उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको उस दिन क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराए ना और अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।